चैनल को सब्सक्राइब करना आसान है और यह बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर कोई की जानकारी आपको पहले मिल सके। दोस्तों, स्टॉक फॉर रिटेल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तीन इंडिकेटर्स के बारे में जिसके द्वारा आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं स्टॉक्स का, और एक RSI इंडिकेटर जो कि आपको इंट्राडे में स्टॉक्स का चयन करने में मदद करेगी। दोस्तों, मूविंग एवरेज जो है दिए गए समय में कई सारे पॉइंट्स का एवरेज प्राइस होता है। दोस्तों, यहाँ पे मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग है। हम चार्ट में क्या करते हैं कि दो मूविंग एवरेज लगाते हैं, एक रहता है हमारा लॉन्ग मूविंग एवरेज और दूसरा रहता है हमारा शॉर्ट मूविंग एवरेज। दोस्तों, कई लोग जो है सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कभी कभी यह फॉल्स सिग्नल भी देता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा अपने दर्शकों को कि वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करें। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, पहले मूविंग एवरेज का पीरियड हमने 100 सेट कर दिया है और इसका टाइप एक्सपोनेंशियल है। अब हम क्या करेंगे कि एक और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेंगे जिसका पीरियड जो है 200 सेट कर देंगे। तो दोस्तों, जब ग्रीन मूविंग एवरेज जो है रेड मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करता है तो यह बाय सिग्नल होता है, और जब रेड मूविंग एवरेज जो है ग्रीन मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करके नीचे की तरफ ले जाता है तो ये सेल सिग्नल होता है। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि 14 दस 2015 को इसने बहुत अच्छा बाय सिग्नल दिया था और तब से यह बुलिश मोड में था। दोस्तों, MACD जो है वो ट्रेंड और मोमेंटम इंडिकेटर होता है। ये स्लो मूविंग एवरेज और फास्ट मूविंग एवरेज के बीच का डिफरेंस होता है। इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है 12, 26 और 9 की रहती है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप स्विंग ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जनरली फास्ट मूविंग एवरेज 100, स्लो मूविंग एवरेज 275 और सिग्नल पीरियड मैं 90 रखता हूँ। दोस्तों, आप जो चार्ट देख रहे हैं ये जिरादा का चार्ट है। इसमें MACD सेट करने के लिए हम स्टडीज़ में जाएंगे और MACD को सर्च करेंगे और फास्ट मूविंग एवरेज को 100, स्लो मूविंग एवरेज को 275 और सिग्नल पीरियड जो है 90 का हम लोग सेट कर देंगे। तो दोस्तों, अब हम MACD की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ये डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। तो इस चार्ट को थोड़ा जूम आउट करने के बाद हमें पता चलता है कि स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में है और करीब करीब फरवरी 2018 में MACD ने इसमें सेल सिग्नल दिया हुआ है। दोस्तों, सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर है जिसका हालांकि बहुत से लोग इंट्राडे में इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म में भी किया जा सकता है। सुपर ट्रेंड जो है MACD के तर्ज पे काम करता है। इसका डिफ़ॉल्ट पीरियड 7 होता है और मल्टीप्लायर 3 होता है, लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए क्या करेंगे, पीरियड को 120 कर देंगे और मल्टीप्लायर को 15 कर देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 17/5/2018 को इसने सेल सिग्नल दिया है। और दोस्तों, इस चार्ट को जूम आउट करने पर हम देख सकते हैं कि करीब करीब 2013 से ही यह स्टॉक जो है बुलिश मोड में रहा है, और इस सेटिंग के हिसाब से अब जाकर जो है सुपर ट्रेंड ने बेयरिश मोड दिखाना शुरू किया है इसमें। दोस्तों, आज का आखिरी इंडिकेटर है RSI, जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। RSI के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप ऊपर दिए गए आई पर क्लिक करिए और वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, RSI जो है वो खास करके या तो इंट्राडे या तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर हम चार्ट में लॉन्ग पीरियड का इस्तेमाल करके इसको अगर चार्ट में देखना चाहें तो ये हमें जो है प्रॉपर इंडिकेशन नहीं देता है बाय या सेल करने का। तो जो है RSI का हम लॉन्ग टर्म में यूज नहीं कर सकते। दोस्तों, जैसे ही हम RSI की वैल्यू जो है पीरियड को 7 कर देते हैं और ओवरबॉट को 70, ओवरसोल्ड को 30 कर देते हैं, वैसे ही हमें थोड़ी बहुत बाई या सेल की इंडिकेशंस मिलने लगती हैं, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, RSI द्वारा टेक्निकल एनालिसिस जो है हम केवल स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे के लिए करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।